सो दोस्तों, क्या आप एक कीबोर्ड मस्को में ढूंढ रहे हैं और चाहते हैं वो वेल फॉर मनी भी हो और बजट फ्रेंडली भी हो? सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड अगर आप एक बजट कीबोर्ड मस्को में ढूंढ रहे हैं अपने बजट के अंदर अराउंड 1500 के अंदर, तो ये वीडियो है आपके लिए। यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस भी देखने को मिल जाएगा और ये जो कीबोर्ड है ये बजट फ्रेंडली भी है और उसके साथ साथ ये आपको वैल्यू ऑन प्रोडक्ट भी दे देता है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उसी प्रोडक्ट के बारे में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बगल में जो घंटे का आइकन है उसको भी दबा देना, जैसे मेरी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। सो लेट्स रोल द इंट्रो। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लॉजिटेक की तरफ से लॉजिटेक MK235 कीबोर्ड माउस कॉम्बो के बारे में, जो एक बहुत ही बेहतरीन कीबोर्ड माउस है इस बजट रेंज में। तो चलो चलते हैं और देखते हैं अंदर में हमें अनबॉक्स करने के बाद क्या क्या देखने को मिल जाता है। सो गाइस, यहाँ पे हमें इसका बॉक्स कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाता है। बॉक्स के ऊपर की तरफ अगर देखें तो यहाँ पे आपको लॉजिटेक का लोगो देखने को मिल जाता है और अगर लेफ्ट साइड में अगर देखें तो यहाँ पे आपको MK235 का ब्रांडिंग भी देखने को मिल जाता है। तो अब अगर साइड की तरफ देखें तो यहाँ पे आपको लॉजिटेक MK235 का ब्रांडिंग भी देखने को मिल जाता है और उसके साथ साथ कीबोर्ड का स्पेसिफिकेशंस और किस किस विंडोज पे सपोर्ट करता है वो यहाँ पे दिया गया है। और अगर पीछे की तरफ देखें तो यहाँ पे आपको मैन्युफैक्चरिंग डेट, MRP ये सब कुछ देखने को मिल जाता है। तो गाइस, जल्दी से जल्दी इसको ओपन करते हैं और ओपन करके देखते हैं अंदर में हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो इस अनबॉक्स करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से एक मैनुअल दिया गया है जो कभी कोई पढ़ता भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे तो चाइनीज़ में लिखा हुआ है, तो इसको साइड में रखते हैं। तो दोस्तों, अब चलते हैं हमारे माउस की तरफ और यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का आपको एक माउस देखने को मिल जाता है। माउस के ऊपर अगर देखें तो यहाँ पे आपको लॉजिटेक का ब्रांडिंग देखने को मिल जाता है और अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पे बहुत ही हाई क्वालिटी प्लास्टिक यूज़ किया गया है जो छूने में एक प्रीमियम फील दे देता है। और उसके साथ साथ माउस के दोनों साइड पे ही आपको कुछ इस तरीके का डिज़ाइन देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों, अब अगर चलते हैं पीछे की तरफ तो यहाँ पे आपको एक ऑन ऑफ का स्विच देखने को मिल जाता है, एक सेंसर देखने को मिल जाता है और एक बैटरी स्लॉट देखने को मिल जाता है जहाँ पे आप अपनी बैटरी लगा के इसे यूज़ कर सकते हैं। तो अब अगर देखें तो बॉक्स के अंदर आपको कुछ इस तरीके का एक USB कनेक्टर देखने को मिल जाता है जिसकी मदद से आपका जो कीबोर्ड है और आपका जो माउस है दोनों ही आपका कंप्यूटर या लैपटॉप से कनेक्ट हो जाता है। और उसके साथ साथ बॉक्स के अंदर आपको कुछ इस तरीके से तीनों बैटरीज देखने को मिल जाता है आपके कीबोर्ड एंड माउस के लिए। उनमें से ये दो बैटरी हमारे कीबोर्ड के लिए और ये बैटरी हमारे माउस के लिए। और यहाँ पे आपको ड्यूरासेल का बहुत ही अच्छी क्वालिटी का बैटरी प्रोवाइड किया गया है जो एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। सो गाइस, अब अगर बात करते हैं हमारे कीबोर्ड के बारे में तो यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छी क्वालिटी का एक कीबोर्ड देखने को मिल जाता है और राइट साइड में देखें तो यहाँ पे आपको लॉजिटेक का ब्रांडिंग भी देखने को मिल जाता है। सो दोस्तों, अब अगर बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी के बारे में तो यहाँ पे हाई क्वालिटी प्लास्टिक यूज़ किया गया है जो इसको दूसरे लॉजिटेक कीबोर्ड से अलग बनाता है और इसका जो टेक्सचर है वो भी दूसरों से अलग है। और ये मैं 2 दिन से यूज़ कर रहा हूँ और इसमें आपको टाइपिंग करने में भी एक स्मूथनेस फील होता है। तो अब अगर कीबोर्ड के पीछे की तरफ देखें तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से 2 स्टैंड देखने को मिल जाता है जिसको आप इस तरीके से ओपन करके यूज़ कर सकते हैं और उसके साथ साथ यहाँ पे आपको एक बैटरी स्लॉट भी देखने को मिल जाता है। तो गाइस, अगर आप ये परचेज करना चाहते हो तो आप फ्लिपकार्ट से कर सकते हो, वहाँ पे आपको ये बहुत ही अच्छा प्राइस में देखने को मिल जाता है। और अगर आप बैंक ऑफर से इसको खरीद लेते हो तो वहाँ पे आपको और भी ऑफ देखने को मिल जाता है। तो जैसे कि मुझे ये पड़ा था 1200 के आसपास और यही सेम कीबोर्ड अगर आप अमेजन से खरीदने जाते हो तो वहाँ पे आपको 1900-2000 तक भी पड़ सकता है। सो दिस इज इट फॉर द वीडियो। और इस वीडियो से आपको थोड़ी सी हेल्प हुआ तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर देना और बगल में जो घंटे का आइकन है उसको भी दबा देना, जैसे मेरी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।